press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गवर्नमेंट अपडेट सीरीज की एक और नई वीडियो के साथ सीएससी नॉलेज बेस में। आज की इस वीडियो में आपको केंद्र सरकार की गोवर्धन योजना और साथ ही इस योजना से जुड़े बजट के बारे में बताऊंगा। केंद्र सरकार ने गांव को खुले में शौच से मुक्त करने और ग्रामीणों के जीवन में सुधार के लिए गोवर्धन यानी गैल्वनाइजिंग जैव एग्रो संसाधन धन योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत गोबर और खेतों के ठोस अवशेषों को कंपोस्ट, बायोगैस और बायोसीएनजी में बदल दिया जाता है। भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि समाज निर्माण की दृष्टि से सरकार ने विकास के लिए 115 जिलों की पहचान की है। इन जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण यानी बिजली, पीने का पानी और शौचालयों पर निवेश में एक निश्चित समय में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये 115 जिले विकास के आदर्श होंगे। अब मैं आपको इस योजना के उद्देश्यों के बारे में बता देता हूँ। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी गांवों को खुले में शौच से मुक्त करना है। नदी के किनारे वाले इलाकों में 4400 से ज्यादा गांव को खुले में शौच से मुक्त गांव में घोषित किया जाएगा। अब मैं आपको इस योजना के बजट के बारे में बता देता हूँ। इस योजना के तहत ग्रामीण सुधार कार्यक्रमों के लिए 16,713 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है। कुल 115 जिलों में सफलतापूर्वक अलग अलग गांव में सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को संसद में 2018-19 का बजट पेश करते हुए कहा कि नमामि गंगे योजना के अंतर्गत 187 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिनमें बुनियादी ढांचे के विकास, विपरीत सतह की सफाई, ग्रामीण स्वच्छता शामिल है। ₹16,713 करोड़ खर्च करके इनमें से 47 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है और बाकी पर कार्य चल रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि गंगा नदी के किनारे बसे 4465 गंगा गांव खुले में शौच से मुक्त हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।